वेलकम टू गोपाल स्टडी पॉइंट। गोपाल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की वीडियो। इसमें हम सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे और उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे आप इस चैनल से जुड़ जाएंगे। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। साथ ही साथ सब्सक्राइब की बगल वाले घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं विज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन का। दोस्तों, इस टॉपिक से जो भी संभव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं और एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन है, कच्चे खाद में उपस्थित स्टार्च का परीक्षण किस प्रकार कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें आया है स्टार्च परीक्षण। तो स्टार्च परीक्षण को हम समझ लेते हैं क्या होता है। स्टार्च परीक्षण किसके लिए किया जाता है कि यदि किसी वस्तु में स्टार्च उपस्थित होती है या किसी खाद्य पदार्थ में स्टार्च उपस्थित होती है तो उसके लिए हम इस परीक्षण को करते हैं। तो कैसे करते हैं इसके लिए? 2-3 बूंद, 2-3 जो ड्रॉप्स होती हैं, बूंदें होती हैं तनु आयोडीन विलयन की, तो उसको हम यदि उस खाद्य पदार्थ में डालते हैं तो उसका रंग नीला काला हो जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टार्च की उस खाद्य पदार्थ में उपस्थिति है। जैसे कि हम उदाहरण दे सकते हैं आलू, ब्रेड तथा चावल का। तो इस तरह से आलू, ब्रेड, चावल में स्टार्च उपस्थित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाला तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व पाया नहीं जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है तो तुरंत हमें अपने माइंड में आ जाना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सामान्य सूत्र होता है तो वो होता है CnH2O N। तो इस तरह से इसका सामान्य सूत्र भी हमें पता होना चाहिए, CnH2O(N)। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट में और एक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। ये ऑक्सीकरण के पश्चात शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 17 किलो जूल की एनर्जी होती है। तो इससे इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है। तो अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण मनुष्य शरीर द्वारा किया जाता है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। संश्लेषित अमीनो अम्ल। अब देखिए इसको, इसके विषय में थोड़ा बता देता हूँ। दो तरह के अमीनो अम्ल होते हैं, एक तो आवश्यक अमीनो अम्ल और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं इनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, इनको केवल भोजन में लेना पड़ता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका संश्लेषण शरीर के अंदर ही होता है और इनको बाहर से ग्रहण करना की आवश्यकता नहीं है, वो शरीर के अंदर ही ऑटोमेटिकली संश्लेषित हो जाते हैं। तो इससे इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन बी ट्वेल्व में पाए जाने वाला प्रमुख धातु घटक है। बी12 में कौन सा धातु घटक पाया जाता है वो हमें बताना है। तो देखें दोस्तों, बी12 में हमारा धातु घटक होता है ऑप्शन नंबर 3, कोबाल्ट। इसके अंदर क्या होता है? कोबाल्ट होता है। तो अभी इस क्वेश्चन से लिंक किसको करेंगे? विटामिन बी12 को। तो बी12 का हमें रासायनिक नाम पता होना चाहिए क्या होता है। तो बी12 को रासायनिक नाम है साइनोकोबाल एमीन के नाम से भी हम बी12 को जानते हैं। और इसकी कमी की वजह से क्या रोग हो जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एक परनीसियस रोग बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया का रोग बी12 की कमी की वजह से हो जाता है। तो इससे इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमारी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं, वसाएं केवल जंतुओं से प्राप्त होती हैं, डाइट में उच्च मात्रा में संतृप्त वसा की उपस्थिति से हृदयाघात हो सकता है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल 1, यानी कि वसाएं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती हैं। इससे इस क्वेश्चन से आपको एक और जानकारी मैं बता देता हूं कि जो वसा में होती है, 1 ग्राम वसा में 37 किलो जूल ऊर्जा होती है, किलो जूल ऊर्जा होती है, 37 किलो जूल की ऊर्जा होती है। और इसकी और जानकारी मैं बता देता हूँ, ये जल में एविलय व एसीटोन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म आदि में विलय होते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। दोस्तों, चीज़ों को लिंक करके सीखिए एक के बाद एक, यानी कि वो चीज़ किस चीज़ से जुड़ी हुई है। यदि हम इस तरह से सीखेंगे तो हमारी नॉलेज, हमारी तैयारी डबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कहलाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्या रोग होता है वो हमें देखना है इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मेरिस्मस का रोग होता है। ऑप्शन नंबर 2 में मेरिस्मस एंड क्वासरकोर दोनों रोग होते हैं। तो इस क्वेश्चन से और क्या क्या लिंक हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो जे बर्जिलियस नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका प्रयोग किया था। और सेकंड, मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिनमें से 10 का संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा 10 का संश्लेषण भोजन के द्वारा प्राप्त करके किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और साथ में एक बार एक क्वेश्चन और बता देता हूँ कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता हमारे शरीर के लिए कितनी होती है। 70 से 100 ग्राम, 70 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है डेली। और प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? दालें, मछली, अंडा, पत्तेदार सब्जियों में, दूध, फल, सोयाबीन और मटर या पनीर, दही में आदि में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीनों की संख्या है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि मानव शरीर के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 10, 10 प्रोटीनों की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी में उपस्थित होता है? विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है इसका हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एस्कर्बिक अम्ल। तो इस क्वेश्चन से और क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ विटामिन सी के विषय में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि विटामिन सी की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। और दूसरा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसको एस्कर्बिक अम्ल भी बोलते हैं।
तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का मुख्य स्रोत है, वसा का क्या स्रोत होता है? दालें, सोयाबीन, मक्खन या घी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, घी, सॉरी 3 व 4, यानी कि मक्खन और घी। मक्खन से भी और घी से भी दोनों से हमें वसा प्राप्त होती है। तो और इस क्वेश्चन से और क्या इन्फॉर्मेशन बन सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में यदि हमें वसा का प्राप्त पता करना है कि वसा उसमें उपस्थित है नहीं है, इसी तरह से स्टार्च की तरह वसा का भी परीक्षण होता है। तो वसा का परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं कि खाद्य पदार्थों की कुछ मात्रा कागज में लपेटकर इसे चूर चूर कर लेते हैं और इस कागज पर तेल नुमा धब्बे बन जाते हैं जो कि वसा की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम वसा का परीक्षण या वसा की जांच कर सकते हैं कि इसके अंदर वसा है या नहीं है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन बहुलक है, प्रोटीन किस चीज़ का बहुलक है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 10 का ऑप्शन नंबर 3, अमीनो अम्ल का। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अब अमीनो अम्ल में मैंने अभी पीछे बताया था कि अमीनो अम्ल दो तरह के होते हैं, आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है कि जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं उनका जो संश्लेषण होता है वो शरीर में नहीं हो सकता, उनको केवल भोजन में ही लेना आवश्यक है, और जबकि अनावश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका संश्लेषण केवल शरीर के अंदर ही होता है, उनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है वो हमें बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें ये बहुत सारे बंदे क्या है ना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? क्योंकि विटामिन सभी को पता है कि विटामिन बी की कमी की वजह से ये बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूज़न किया हुआ है कि विटामिन B12 होगा या B6 होगा या B3 होगा या कौन सा मतलब होगा। तो इसमें दो विटामिनों के नाम दिए हुए हैं, B1 और B12। तो अभी दोनों में हम कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि B1, ऑप्शन नंबर 1 जो कि B1 है। तो बेरी बेरी रोग किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। तो अभी इससे एक चीज़ का और पता चलता है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है। तो B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है वो हमें चेक करना है। तो इसका B12 परनीशियस एनीमिया, B6 बेरीबेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन B3 पहला ग्राम। तो अभी जैसे अभी ऊपर के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है दोस्तों कि बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की वजह से, लेकिन इसमें क्या लिखा है, बेरी बेरी रोग विटामिन B6 की के कारण। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये सही नहीं है। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों, इसमें बाकी क्वेश्चनों बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। जैसा कि विटामिन B12 है, B12 की वजह से होता है परनीशियस एनीमिया का रोग, और विटामिन सी की कमी से हो जाता है स्कर्वी, विटामिन B3 से पेलाग्रा। तो इस तरह से बाकी तीन का विषय में भी हमको पता चल जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्न सारणी का अध्ययन कीजिए। सारणी में विटामिन का नाम दिया है एवं उसका न्यूनतम लक्षण दिया हुआ है,
कि किसकी वजह से क्या लक्षण होता है। समूह में विटामिन न्यूनता लक्षण से सही सुमेलित नहीं है, क्या कौन सा किसके साथ में सही मैचिंग नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि जो थ्री इसमें दिया हुआ है पेंटाथिनिक अम्ल, ये पेलाग्रा के साथ में सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी हमारे सही सुमेलित हैं। राइबोफ्लेविन किलोसियस के साथ में है, फाइलोक्विनोन रक्त का थक्का बनने में देरी, एंड कैल्सीफेरोल रिकेट्स के साथ में सही सुमेलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबाल एमीन नामक विटामिन जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है साइनोकोबाल एमीन, तो वो हमें देखना है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, बी ट्वेल्व के नाम से जाना जाता है साइनोकोबाल एमीन। तो इससे रिलेटेड और दूसरे प्रश्न क्या बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी पीछे भी हमने पढ़ा है कि इसके कमी के कारण कौन सा रोग होता है, परनीशियस एनीमिया एवं तंत्र की गड़बड़ी का रोग विटामिन B12 की कमी के कारण भी हो जाता है। और साइनोकोबाल एमीन जो है वो रासायनिक नाम है विटामिन B12 का, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से बन जाती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 15, निम्न कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। प्रोटीन में NCH तथा O के अतिरिक्त सल्फर व लोहा आदि भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना के पास 20 ग्राम हरी पत्ती वाली सब्जियां हैं, वह उन्हें भविष्य में प्रयोग करने के लिए एकत्रित करना चाहती है, निम्न में से कौन सी विधि उसके द्वारा प्रयोग में की जाएगी जिससे सब्जियों को लंबे समय तक रखा जा सके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है 16 का ऑप्शन नंबर 1, शुष्क संग्रहण में उसको रखना पड़ेगा यदि उन सब्जियों को काफ़ी लंबे समय तक चलाना है। तो दोस्तों ये एक संग्रहण होता है जिसमें सब्जियों को लंबे समय तक रखा जा सकता है जिससे कि वे खराब होने से बच जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है, एक सप्ताह बाद उसको तेज बुखार हो जाता है, उपरोक्त घटना का सही कारण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 में अनहाइजीन फूड होता है, यानी कि गंदा खाना खाती है, मक्खियाँ एवं धूल युक्त खुला खाना खाया होगा, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ का सेवन किया होगा, या फिर उसका कमज़ोर प्रतिरोधक तंत्र है। तो इस तरह से ये चारों चीज़ उसको प्रभावित किया है इन चारों चीज़ों ने, इसलिए उसको तेज़ बुखार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त दूध में पाए जाने वाले अन्य पौष्टिक तत्व हैं। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तो मिलते ही मिलते हैं, उनसे अलग कौन से और पौष्टिक तत्व हैं जो दूध के अंदर पाए जाते हैं वो हमें बताना है। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में 1, 2 एवं 3, यानी कि कैल्शियम भी उसके अंदर होता है, पोटेशियम भी उसके अंदर होता है और लोहा भी उसके अंदर होता है, तीनों चीज़ें दूध के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विटामिन जटिल कार्बनिक अणु है, हमारे जीवन के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, जल में विटामिन हमारे शरीर में संग्रहित हो सकते हैं, तो इसमें से कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1 व 2 दोनों, यानी कि विटामिन जटिल कार्बनिक अणु है ये भी सत्य है,
हमारे जीवन के लिए विटामिन सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, ये भी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी डालने से क्या होता है वो हमें बताना है। तो 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करते हैं, इससे जो उसमें बैक्टीरिया बनते हैं उनको उनको सेव किया जा सकता है उनसे, इसलिए हम नमक और चीनी डालकर उसको लंबे समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के रूप में दिया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे बताना है और मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो दोस्तों इस तरह से हम वीडियो देखेंगे और देखने के बाद में एक वीडियो में एक क्वेश्चन आया होगा, उस क्वेश्चन को मैं आपसे लास्ट वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा, जिससे आपको पता लगेगा कि हम कितने ध्यान से हम वीडियो को देख रहे हैं, उससे आपके कंसंट्रेशन का पता चल जाता है और ये आपके लिए एक असाइनमेंट का काम भी करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आज का आपके लिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और यदि अभी तक दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ ही साथ एक बेल जो कि घंटी का निशान बना हुआ है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन डेली आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।